मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास जीना मेरे साथ, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और साहब हाथ जोड़कर मैं अपने छोटे भाइयों के सामने, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है और मैं खुद को आज भी एक ही पंक्ति का कवि मानता हूँ। मुझे दुआ देना, आशीर्वाद देना तालियों से, अगर मैंने ऐसी दो पंक्तियाँ और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। मैं जीवन की अपनी श्रेष्ठतम पंक्ति आपको सौंपता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, उससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी घर छुपके घर के कोने में, ताजा का जल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में किसी भी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा दें ऐसी परंपरा नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। लेकिन भरतपुर के पास राजस्थान में एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। वहां का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह नाम है उसका। जब उसका पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो उसकी पत्नी गायत्री देवी ने सेना की मर्जी के खिलाफ, गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी है, आपका प्यार मांगती है पंक्ति, आप संभालना, उस पंक्ति को सौंपता हूं आपको सुनना है। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है भाई साहब, वाह वाह। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, केवल कविता की अंतिम छह पंक्ति, वाह वाह, और समाप्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको मन से, बहुत बहुत हृदय से अपने कवि भाइयों की ओर से आप सबको प्रणाम। छह पंक्तियां सुनना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानून। क्या मांगता है शहीद का परिवार, ये तो देश ही अद्भुत है। कृषि को और क्रिकेट को एक ही मिनिस्टर देखता है, कृषि और क्रिकेट। किसान आत्महत्या करता रहता है, क्रिकेट में इनाम पढ़ते रहते हैं, एक छक्का लगाओ तो 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन ये कहने का हक मांगता हूं, जिस हिंदुस्तान में एक गरीब मजदूर को 12 घंटे पसीना बहाने के बाद केवल 150 मजदूरी मिलती है, उस मुल्क में 1 छक्के पर 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस वही कहना। योजना आयोग सुप्रीम कोर्ट में लिखता है कि गांव में रहने वाला आदमी 22 रुपए में एक दिन में पेट भर सकता है, एक दिन का खर्चा चल सकता है उसका 22 रुपए में। इन सारे योजना आयोग के मेंबर्स को केवल 22 रुपए दिए जाएं और जेल में बंद कर दिया जाए कि तुम पर 22 रुपए खर्च होगा, जिंदा रहकर दिखाओ। जेल के कैदी पर रोज 70 रुपए का खर्चा, जिसने 100 कत्ल किए हों जेल में रहे तो 70 रुपए रोज खर्च होंगे, कानून है। और इस देश के 34 करोड़ लोग ऐसे जो 22 रुपए रोज खर्च नहीं करते, अद्भुत देश है ये।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों की विधवाओं को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया करगिल युद्ध के बाद। बधाई देता हूं, मेरा छोटा भाई है विनीत चौहान, उसकी दो पंक्तियां हैं, मुझे अच्छी लगती है इसलिए पढ़ता हूं। कुछ विधवाओं का प्रतिनिधिमंडल मिनिस्टर से मिलने गया तो मिनिस्टर ने पान खाते खाते कहा और का चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। सरकार कहना चाहती है कि आपने 10 लाख देकर शहादत का मोल चुका दिया, किसी माँ के बेटे की कीमत दे दी आपने 10 लाख देकर, और आप सोचते हैं कि 10 लाख में आपने शहादत का मोल चुका दिया है, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। देखो जी, एक फिल्म बनती है 2.5 घंटे की, एक इंटरवल के साथ, ग्लैमर के चेहरे होते हैं दुनिया भर के, वो 2.5 घंटे की फिल्म आपको इस तरह नहीं बांध पाती जिस तरह बिना ग्लैमर के इन चार चेहरों ने आपको यहाँ बांध के रखा है। ये कविता की ताकत है, ये हिंदी की ताकत है, ये हमारी संस्कृति की ताकत है, इस ताकत को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद देने कोई आना चाहे तो आ सकता है, वरना मैं ही दे देता हूँ। बाल्यान जी आप आ जाओ, वैसे मैं कैसे सज्जन को जानता हूँ, जिन्होंने धन्यवाद बोलना था ना आभार, बोले आपने जो मेरा ये किया उसके लिए मैं आपका बड़ा भू, तो बाल्यान जी जो हमारा ये करने जा रहे हैं इसके लिए हम इनके बड़े वो हैं, आप स्वागत करें बाल्यान जी। मैं IIIT की तरफ से सभी मान्यवर कवि गणों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपनी कविताओं से 2.5-3 घंटे के टाइम में इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ें हम लोगों के बीच प्रस्तुत की, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।